हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, ये जो वीडियो है इसमें आज हम सिखाएंगे जैसे कि शोल्डर का फॉर्मूला। बेसिकली ये ब्लाउज का चैनल है, इसलिए मैंने ब्लाउज से रिलेटेड सब कुछ दिखा रहा हूँ, मगर ये जो शोल्डर का फॉर्मूला है ये सभी में काम आता है। जैसे कि कुर्ती बोलिए, कुछ भी बोलिए, सभी ड्रेस में ही ये शोल्डर का फॉर्मूला काम आएगा। तो सबसे पहले इसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है किस तरीके से कट करना है। आप लोग तो देख ही चुके हैं, और फिर भी ये जो चैनल है हमारा नया, इसमें भी आप नया अपडेट बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए, और जैसे कि उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं इसे थोड़ा सा समझाऊंगा क्या है। जैसे कि हमारा जो प्रशांतों का चैनल है उसमें मैंने सिर्फ फार्मूला दिखाया मगर डिस्कस नहीं किया है, इसलिए बहुत लोगों को समझने में बहुत परेशानी हो रहा है। तो ये मैं नया अपडेट करके बना रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप लिख लीजिए इसे। ये फर्स्ट पेज है, और ये एक सेकेंड पेज का फॉर्मूला है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए इसे क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो डीप नेक शोल्डर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, हम लोग जब ब्लाउज करते हैं तो डीप नेक के लिए हम लोग हमेशा अलग फार्मूला यूज़ करते हैं। किसी ने मेजरमेंट लेते हैं, मानिए किसी का 14 इंच शोल्डर है, तो जैसे हम पैटर्न कट कर रहे हैं डीप नेक के लिए, तो उस वक्त आप लोग देख रहे हैं हम लोग 6 ले रहे हैं, कभी कभी 5 ले रहे हैं, कभी कभी 4 ले रहे हैं फोल्ड में। ठीक है फ्रेंड, तो फोल्ड में जब हम ले रहे हैं तो आप लोगों को मन में, जो लोग नया है उन लोगों को मन में बहुत क्वेश्चन आता है, हमारा शोल्डर तो 14 इंच है और इसे अगर दोनों तरफ खुल लिया जाए तो जब हम ओपन करेंगे तो उसे दोनों तरफ अगर 6 कटू तो सर तो ये तो 12 इंच हो रहा है और आफ्टर स्टिचिंग 11 इंच हो रहा है, मगर हमारा शोल्डर तो 14 इंच। तो देखिए, जो लोग नया है उन लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। डीप नेक में क्या होता है, हमारा जो कंधा होता है वो स्पेट करता है। ठीक है, तो स्पेट करता है तो इसके लिए हम लोग कम लेते हैं, देखा जाए 2 इंच 3 इंच 4 इंच भी स्पेट करता है, जितना ज़्यादा डेप्थ होता है उतना ज़्यादा स्पेट करता है। तो ये एक रीज़न है, और फर्स्ट टाइम आप लोगों को सीखने के लिए ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, तो छोटा मोटा आप लोग अगर समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए आसान है। ज़्यादा अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप अपना ऊपर नॉलेज और लोड बढ़ाइए ताकि आप लोगों को बहुत पता चल जाएगा। और ये हमारा चैनल इसलिए है, अब जितना हो सके, जैसे कि ब्लाउज के बारे में बहुत कुछ मैंने बताता हूँ हमेशा, छोटा मोटा बहुत जो जो टिप्स होता है सब कुछ मैं बता देता हूँ। तो आप धीरे धीरे उसे आप अपना दिमाग में बिठा लीजिए, वो बहुत काम की चीज़ होता है। उसी तरह ही मैंने जो शोल्डर का फॉर्मूला बनाया है, मैंने बहुत बार बहुत अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट जो किया है वही नॉलेज से ये फॉर्मूला मैं बनाया हूँ। तो देखिए, हाफ ऑफ शोल्डर -2 + ½ इंच। शोल्डर हम लोग जब कट करते हैं तो एक तरीका होता है शोल्डर करने का, डीप नेक के लिए बेसिकली बोल रहा हूँ। ये देखिए, मैंने डीप नेक इसमें मेंशन किया है। तो एक फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू हाई वास्ट। ये देखिए, इस जगह में मानिए हमारा हाई वास्ट 36 है, तो फ्रेंड हम 5 और 5½ हम लेंगे। तो आप बोलेंगे क्यों लेंगे, 5 क्यों नहीं लेंगे और 5½ क्यों लेंगे। तो देखिए, किसी का अगर कंधा बड़ा हो जाए, यानी कि फिगर से हिसाब से कंधा उनके बड़ा है, तो उन लोगों के लिए 5½ है। अदरवाइज एक रीज़न और हो सकता है, जिन लोगों का कंधा गिरता है तो उनकी वजह से उन लोगों को जितना हो सके हम लोग कम लेते हैं, तो 5 लेंगे हम। देखिए, शोल्डर हम चाहे तो 3 इंच भी हम लोग कर सकते हैं, मगर उसकी किस तरीके से कटिंग करना है उसका तरीका आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग वो तरीके यूज ना करें। तो हिस्ट्री ऑफ डीप नेक में मैंने वो तरीका बताया है, और बहुत अलग अलग तरीके मैंने बताया जो बैक पट कट करने के, तो बहुत अलग अलग टेक्निक्स है। तो फिलहाल हमारा जो हाई वास्ट है उसे देखकर हम समझ जाते हैं, हाँ इनके शोल्डर इतना लेना है डीप नेक के लिए। चलिए, उसके बाद आता है जैसे कि शोल्डर का हाफ ऑफ शोल्डर माइनस, जैसे कि मैंने अभी बोला था फ्रेंड, हम चाहे 3 इंच भी कर सकते हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला बनाया ना, चाहे हम 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच हम माइनस कर सकते हैं, जो रिमेनिंग आता है वही हम कर सकते हैं। मानिए किसी का 14 इंच, तो हाफ ऑफ शोल्डर 7 होता है, उसके बाद आप माइनस अब 3 कर दीजिए, वो भी एक फार्मूला होता है।
तो उसी तरह ही जो शोल्डर होता है, देखिए शोल्डर का ये भी एक फार्मूला होता है, जिनका बॉडी बहुत फिटेड होता है, बहुत ही अच्छा कंधा है, तो उन लोगों के लिए हाफ ऑफ शोल्डर माइनस वन इंच कर दीजिए, उसके बाद हाफ इंच कर दीजिए, ये एक टेक्निक है। और उसके बाद माइनस टू फर्स्ट टाइम मैंने बताया है। और टेक्निक होता है फ्रेंड जो फ्रंट स्ट्रेट का फॉर्मूला होता है, जो हम फ्रंट से मेजरमेंट लेते हैं, आप लोग शायद हमारा जो मेजरमेंट जब हम लेते हैं उस वक्त मैंने इसका रीज़न मैंने बताया, ये जो फ्रंट स्ट्रेट का टेक्निक ये है, आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, हाफ ऑफ शोल्डर में यूज़ कर सकते हो, हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच में भी यूज़ कर सकते हो, हाफ ऑफ शोल्डर माइनस हाफ इंच में भी यूज़ कर सकते हो। इसकी वजह है फ्रेंड, हम लोग जो शोल्डर का जो मेजरमेंट लेंथ लेते हैं शोल्डर का, तो कभी कभी क्या होता है, हम क्लोज मेजरमेंट अगर लेंगे तो फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ होता है, थोड़ा सा अगर मिडिल में हम लेंगे तो ये वाला यूज़ होगा, और थोड़ा सा जैसे कि हम अगर बाहर से लेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। ये बहुत अलग अलग तरीका होता है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। उसके बाद आता है फ्रेंड हमारा हाई नेक वाला फार्मूला, तो हाई नेक में कुछ कम काज नहीं चलेगा, डायरेक्टली आप लोगों को लेनी है हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच 100% आप लोगों को लेनी है। उसके बाद जैसे कि जो शोल्डर का, आप अगर थोड़ा सा बाहर की ओर यानी कि थोड़ा सा अंदर की ओर अपने मेजरमेंट अगर थोड़ा सा आप लोग लेंगे हाई नेक के लिए, तो हाफ ऑफ शोल्डर लेंगे तो चलेगा। वो कहने का मतलब है जो हमारा नीचे जो आर्म होल होता है, जो अंडर आर्म से ऊपर जो हमारा स्लीव लगा हुआ आता है, उस जगह में जो एक शेप आता है, ठीक है फ्रेंड, वो एक बोन होता है, बोन के अंदर की तरफ एक डाउन वाला पोजीशन होता है, वो अगर पोजीशन आप लोग लेंगे तो आप लोग हाफ ऑफ शोल्डर में भी काम चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। सिर्फ ध्यान में रहे वो जगह, जिस जगह में आप लोग हाईनेक के लिए मेजरमेंट ले रहे हैं वो जगह आपका आर्म होल बराबर हो रहा है कि नहीं, और आफ्टर स्टिचिंग आर्म होल से थोड़ा सा बाहर है कि नहीं आप देख लेंगे, अगर थोड़ा सा बाहर है तो मानिए ये फार्मूला उसके लिए है। इसी तरह छोटा छोटा आप लोगों को टिप्स वो देखना पड़ेगा। और एक मेजरमेंट जो है ये है फ्रंट स्ट्रेट कट, जो हाईनेक के लिए बेसिकली है, अभी मैंने जैसे कि बोला हो फ्रेंड हाफ ऑफ शोल्डर, हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच, और उसके बाद फ्रेंड जो हाफ ऑफ शोल्डर माइनस हाफ इंच, ये फ्रंट स्ट्रेट कट यानी कि हम फ्रंट से जो मेजरमेंट लेते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड दुनिया में जितना ड्रेस है तो सभी में ये टेक्निक एक ही फॉर्मेलिटीज होता है। मानिए आप कुर्ती कर रहे हैं, तो कुर्ती अगर डीप नेक आप लोग कर रहे हैं तो उसके लिए ये फार्मूला यूज होगा। और धीरे धीरे और एक बात आप लोगों को बता दूं मैं, आप लोग फ्रेंड जब बैक नेक, मानिए एक टिप्स थोड़ा सा मैं देते जाऊँ, वीडियो खत्म तो होने ही वाला है, तो देखिए सबसे पहले हम अब बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग एयर वाला कर रहे हैं तो हम लोग क्या, सबसे पहले हम चलिए हम कॉलर वाला करें, तो कॉलर लगाने के लिए हम लोग हाफ इंच करते हैं, शोल्डर हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं एयर गला करते हैं तो देर इंच करते हैं, तो देर इंच जैसे ही आप लोग देर इंच करेंगे तो फ्रेंड आप हाफ ऑफ शोल्डर आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो देखिए हमारा जो हाईनेक वाला जो पैटर्न है, तो हाफ ऑफ शोल्डर उस जगह में चले जा रहा है, देखिए धीरे धीरे कैसे चेंजिंग हो रहा है। उसके बाद मानिए किसी ने बोला आपको चलिए हमारा जो बैक पार्ट है वो बैक डेप्थ आप ऊपर से आप 3 इंच आप डाउन कर दीजिए, तो आप हाफ ऑफ शोल्डर आप माइनस 1 इंच आप कर सकते हो। उसके बाद चले आते बहुत लोगों ने बोलते हैं चलिए हमारा जो पीछे का जो रिमेनिंग है वो आप 5 रख लीजिए, तो चलिए आप हाफ ऑफ शोल्डर माइनस 2 कर दीजिए आप। उसके बाद बोलते हैं बहुत लोग चलिए हमारा पीछे आप रिमेनिंग 4 इंच रख दीजिए, तो आप करेंगे कि हाफ ऑफ शोल्डर माइनस 2 प्लस आप हाफ इंच भी करें तो ठीक है, अदरवाइज आप माइनस 2.5 कर दीजिए तो भी हो जाएगा। तो देखिए कंधा गिरता है उसका वजह अलग होता है, तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमारा चैनल फॉलो करते जाइए, इसी तरह बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो, जो लोग नया देख रहे हैं आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं आप लोगों को दिल से थैंक्स। अब इसी तरह हमारा जो ये जो नया चैनल है इसे आप शेयर करते जाइए, और इस वीडियो सभी के पास पहुँचा दीजिए जो लोग इससे रिलेटेड जुड़े हुए काम काज करते हैं, जिन लोगों को रोटी रोजी चलता है, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो आज के लिए इतना सही था फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, शो रहते हैं, गुड नाइट।